लिए लेके आए हो ग्लाइकोटैप और PGR34। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के इंग्रेडिएंट के बारे में, हम जानेंगे कौन सा आपके लिए बेहतर होगा और किससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि ये आपको देगा सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं PGR34। आप देख सकते हैं ये CSIR का अनुमोदित है। CSIR जो है वो लोग बढ़िया पैटर्न मेडिसिन की रिसर्च करते हैं और इसकी जो एक मूल तत्व है उसी को लेके PGR34 को ML कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है। तो अगर इसकी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, इसमें दारू हरिद्रा, विजयसार, गुड़मार, मेथिका, गिलॉय ही मेन कंपोजिशन है और इसी का एक्सट्रैक्ट को लेके ये बनाया गया है। साथ में इसमें आपको सिद्ध शिलाजीत भी आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर इस कंपोजिशन में ग्लाइकोडेप की बात करता हूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा केरला, जम्बू, आमड़ा और महेश्वरी। तो जो भी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल हुए हैं, दोनों ही मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट हैं वो काफी हद तक आपकी शुगर लेवल को कम कर सकता है। अगर 140 से 200 के बीच में आपका शुगर लेवल है तो ये दोनों ही मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव होगा। दोनों ही आपको दो दो टेबलेट 3 बार लेना है खाना खाने से पहले, या फिर 2 बार लेना है आपको खाना खाने से पहले, आपकी शुगर की मात्रा के अनुसार और आपकी चिकित्सक की मत के अनुसार। दोनों ही आप टाइप 2 डायबिटीज दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ डायबिटीज लेवल को ही नहीं बल्कि ये आपकी जो डायबिटीज से होने वाले जो ऑर्गन डैमेज है उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। तो पहले बात करता हूँ PGR34 की। हम जानते हैं दारू हरिद्रा, विजयसार, गुड़मार, ये सभी मेथिका सभी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होते हैं। इस सब क्या एक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें साथ में दिया गया है सिद्ध शिलाजीत जो कि आपकी बॉडी को काफी न्यूट्रिशन भी देने वाला है और आपको काफी ताकत भी इससे मिलने वाला है। इन कंपेरिजन जो ग्लाइकोडेप अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो इस्तेमाल हुआ है कैरवल्लक, आमड़ा, मिश्रश्रृंगी, जम्बू, ये सब भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। वो भी हाइपोग्लाइसेमिक है यानी आपकी डायबिटीज की लेवल को कम करेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है एक्सेप्ट जम्बू जो होते हैं और ये आपका आमड़ा में काफी अत्यधिक विटामिन सी रहता है। तो इस दो चीज से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और केरला जो है और इसमें साथ में दिया गया महेश्वरी, ये दोनों आपकी इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगा, साथ में महेश्वरी आपकी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको भी बढ़ाएगा। तो कुल मिला के अगर दोनों की बात करो तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ PGR34 को। PGR34 की जो इंग्रेडिएंट लेवल है, जो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो ज्यादा पोटेंट लगते हैं और इसकी जो एफिकेसी लेवल है ये भी इन कंपेरिजन टू ग्लाइकोडेप ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, बाकी बस इतना ही इस दोनों ड्रग के बीच में। वैसे तो इतना अंतर नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोनों ही सेफ है, आप दोनों को आजमा सकते हैं। खाना खाने से पहले आपको ये लेना है। तो दोस्तों, बस मेरी तरफ से PGR34 के लिए थम्स अप है और ग्लाइकोडेप के लिए भी, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा PGR34 को। तो बस इतना ही, कल मैं फिर से आऊंगा एक दूसरे ड्रग के साथ और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।